जी के बारे में सत्य कथा है ये कि मस्तनाथ जी जिस प्रकार नौ योगेश्वर गए थे गरीबदास जी महाराज की महिमा का तो देखने खातिर के ये निराजाट सहक में ले विराज तो वहां मस्तनाथ भी पहुंचे कि मैं देखूं। वैसे संत महिमा यानी जाति नहीं मानते परंतु वो उनको संत होने के नाते सिद्ध होने के नाते कोई उनका कोई पंथ नहीं समझा कि इनका कोई पंथ नहीं दिखता मैंने बिना पंथ के से बिना नाम के से तो अपनी सिद्धि से प्रभावित करने के लिए गए तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है सिद्धि वहां काम नहीं कराया करते। मस्तनाथ ने जाके पूछा कि गरीबदास कौन सा भाई। सतगुरु महाराज कहने लगे इस दास को गरीबदास कहने से आओ नाथ जी बैठो आसन द्वार बैठे नहीं। एक कहने लगे तेरा कौन सा पंथ है। गरीबदास जी ने बोले जी मेरा पंथ तो आद अनादि है आद सनातन पंथ हमारा जानत नाही ये संसारा पंथों सेती पंथ अलैदा अरे इन बेखां बीच पड़ा है बैदा इनका रास्ता ठीक नहीं से। नाथ जी अपनी सिद्धि का सहारा लेकर एक मुगदर जो कि पहलवान ठाया करते पहले 40 किलो का 40 शेर का मन का और एक हाथ से उठाकर आसमान में बगा दिया 100-150 फुट ऊंचा और वहीं रोक दिया सिद्धि पे। कहने लगे इसको उतार कर दे दे और नो पता चला कि यहाँ नाथ जी आए हुए हैं तो दुनिया वह गांव इकट्ठा हो गया। गरीबदास जी महाराज कहने नाथ जी स्वामी जी बैठो देखो ये तो बच्चा के खेल है जादूगरा के आत्म कल्याण का मार्ग कुछ और से पर नहीं माने अपने बड़े छोटे बड़े से छोटे लड़के दूसरे नंबर के बड़ा जैतराम जी इनका लड़का था दूसरे तुरती राम जी तुरती राम के सिर पर हाथ रखकर ने बोले बेटा स्वामी जी का नाथ जी का दे दिए मुगदर उतार के ऐसे हाथ करके वहीं से वो मुगदर उतार कर उनके चरणाम रखे। नाथ जी क्रोधित हो गए छुड़ाड़ी में आग लगा दी साबत गांव गवाए बैरागिया के घर में पश्चिम की तरफ आग लगा दी ने बोले आपकी छुड़ाणी को जला दूंगा। बंदी छोड़ कहने लगे संत गांव जलाया नहीं करते बसाया कर आप कृपा करो ये काम ना करो तो बोला तेरी नाक काट के जाऊंगा आगे कोई ऐसी मुंह नहीं ठावेगा। अच्छा तेरी मर्जी सोनाथ जी कहने लगे इस सिद्धि ते आप एक कुआ खोद दो जिससे ताकि भाई यहाँ पानी हो जा लोगों ने और आपने सारी उम्र याद रखांगे नाथ जी आए थे एक सिद्धि ते कुआ बना गया ने बोला इन बातों का काम नहीं चलता ये पता चल जाए। महाराज ने क्या किया अपने ऐसे हाथ घुमा कर गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया स्थल बोर में आकर के वो आग मठ में लग जाती है। अब नाथ जी ने देखा महाराज कहने लगे ये अग्नि बुझ गई नाथ जी अपनी ख्यास करो। उन्होंने अपने समाधिस्थ होकर ध्यान से देखा दृष्टि पसार कर कि यहाँ आग बुझ चुकी है वहां लग गई तो खूब कोशिश करी बुझाने की नहीं बुझी। जब स्वामी नाथ जी महाराज जी तो कहने लगे गरीबदास जी आते हैं कि महाराज जी थोड़ा तो चाला पाट जाएगा कितने साथ उपने सुल्फा पिए गौबंद रिह नष्ट हो जाएगा आप इसको ऐसा मत। महाराज कहने लगे देखो जी आप सिद्ध हो अपनी कोशिश कर लो तो बोला जी सारी कर ली आप जल्दी करो नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी ने ऐसे करके हाथ किया था इसी के तालाब बहुत बड़ा जोड़ था वहां पर गड्ढी की तरफ उसमें घेर दिया तो उसमें प्रमाण था कि उस जोड़ में पानी नहीं डटा करता फिर 2 फुट पड़ा रहा करता बाकी जब सूख जाएगा। तो इस प्रकार नाथ जी को शिक्षा दी देखो जी अच्छे काम करो तो परमार्थ का काम करो आप ऐसे नहीं खसन जाएगा। उस दिन के बाद केवल एक नाथ मस्तनाथ जी जिन्होंने परमार्थ के काम करे यहाँ पर ये आश्रम बनवाया यहाँ पर कॉलेज बनवा रखा है जगह जगह पे इनके बहुत उस दिन के बाद महाराज के आशीर्वाद से इनका काम बहुत शुभ कर्म का चल पड़ा उन्होंने फिर किसी को दुख नहीं दिया इस प्रकार खसन नहीं गए। तो इस प्रकार कहे मस्तनाथ भी वहां गए मस्तनाथ जी ने वहां पर जैसा कि आप अस्तलबोर में देखते बहुत अच्छे आश्रम बनवा रखा है कॉलेज भी आंखों का भी बच्चों का भी बहुत अच्छी तरह सिस्टम रखा है। उस दिन के बाद इन्होंने सारे शुभ कर्म किए तो इस प्रकार फिर उन्होंने पूर्ण ज्ञान हुआ। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।